ग्रहण समारोह से पहले शिवसेना एनसीपी कांग्रेस ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम का ऐलान कर दिया था। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने अपने सीएमपी में किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और सेक्युलरिज्म को जगह दी है। सीएमपी के पहले ही लाइन में सेक्युलर शब्द का जिक्र है और धर्म निरपेक्षता को कायम रखने जैसी बातें हैं। तीनों ही पार्टियों को सीएमपी के पहले पैरा में सेक्युलरिज्म शब्द का इस्तेमाल दो बार है। साझा न्यूनतम कार्यक्रम में सरकार के कामकाज के खाके के बारे में जानकारी दी गई है। इसके तहत तीनों दल किसान, रोजगार, स्वास्थ्य, उद्योग, सामाजिक न्याय, महिला सुरक्षा, शिक्षा, ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ काम करेंगे। बता दें आपको कि कार्यक्रम के तहत उद्धव सरकार किसानों के लिए नई फसल बीमा योजना लाएगी, साथ ही किसानों को तुरंत राहत देने का काम किया जाएगा। सरकार के सीएमपी में सरकारी विभागों के सभी पद भरे जाएंगे। राज्य के नागरिकों को 1 रुपए में इलाज देने का वादा भी सरकार के एजेंडे में शामिल है। सूखा पीड़ित किसानों का कर्ज तुरंत माफ किया जाएगा। सीएमपी में सेकुलर शब्द पर भी जोर दिया गया है, जिसको लेकर काफी चर्चा की गई थी। बता दें आपको कि उद्धव सरकार के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार देश सबसे पहले के नारे पर आगे बढ़ेगी। साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि समाज का कोई भी तबका भय में ना रहे। प्रोग्राम के मुताबिक गरीबों को बिना ब्याज के शिक्षा कर्ज देने की व्यवस्था की जाएगी। समाज के सभी समुदायों के कल्याण की बात इस प्रोग्राम में कही गई है। सोनिया गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के निर्देशन में तीनों दलों ने ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया है। एकनाथ शिंदे ने कार्यक्रम का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार सभी धर्मों को साथ लेकर चलेगी और राज्य को विकास के पथ पर लेकर जाएगी। एकनाथ शिंदे ने प्रोग्राम का ऐलान करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के विकास पर सरकार का जोर रहेगा और उन्होंने दावा किया कि 170 विधायक गठबंधन सरकार के साथ है। शिंदे ने कहा कि संविधान के मूल तत्वों को केंद्र में रखा गया है और सभी भाषा प्रांतों को साथ लेकर ये सरकार आगे बढ़ेगी। शिंदे ने कहा कि हम किसी भी तरह का भेदभाव जनता के साथ नहीं होने देंगे। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।